उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक संघ ने 10 अगस्त को संसद घेराव का किया ऐलान। आपको बताते चलें, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज पूर्व MLC रामबाबू शास्त्री के नेतृत्व में शिक्षक संघ की एक अहम बैठक कर्मचारियों की आयोजित की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी कर्मचारी रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंचेंगे और वहां से पैदल संसद मार्च तक जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। रामबाबू शास्त्री ने बताया कि हम कर्मचारी शिक्षक गण 7 सूत्र मांगों को लेकर 10 अगस्त को दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। मैं रामबाबू शास्त्री, MLC, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। पूरे उत्तर प्रदेश में ये बैठकें दिल्ली में ओल्ड पेंशन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन 10 अगस्त के लिए संसद घेराव का है, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख व्यक्ति, कर्मचारी और शिक्षक इसमें पहुंचेंगे दिल्ली। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और साथ में हमारे जनपदों के सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, उन सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए, संगठन का काम और मजबूती से चले, इसके लिए ये मीटिंगें इस समय हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। हमारी 7 सूत्री मांगें जो शिक्षक संघ की हैं, जिसमें सबसे पहले OPS की है, दूसरे उसके बाद जो हमारी प्रमुख मांग है, हमारे तदर्थ के लोग काम कर रहे हैं उनका भी नियमितीकरण सरकार करे, उनके लिए वेतन रोक रखा है उनका वेतन दे, उनके परिवार भुखमरी के शिकार हैं। तीसरा, हमारा सभी राज्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्राप्त है। हमारे यहाँ जो शिक्षक है इसके लिए चिकित्सा सुविधा नहीं है। अगर कोई हमारा शिक्षक बीमार होता है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति अगर कैंसर आदि बड़ी बीमारी से पीड़ित होता है तो पूरा घर बिक जाता है, आदमी भी चला जाता है, लेकिन उसकी दवा नहीं हो पाती। इसलिए सरकार से हमने ये हमारी मांग है कि वो सभी हमारे शिक्षकों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करें। हमारी अगली मांग सरकार से ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग 2004 में ज्वाइन किए थे, क्योंकि 2004 से केंद्र में नई पेंशन है, उत्तर प्रदेश में 2005 से नई पेंशन है, केंद्र ने जो 2004 से पोस्ट विज्ञापित हो गई थी, जो पद विज्ञापित हो गए थे, जिनका विज्ञापन निकल गया था और उन पर जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए 2004 तक, ज्वाइन उन्होंने 4 में या उसके बाद किया, ऐसे सभी लोगों के लिए 2004 से जो पहले उन्हें पेंशन की सुविधा थी वो सुविधा दी है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए ये सुविधा प्राप्त हो गई। हम भी सरकार से ये कह रहे हैं कि 2005 से आपने पेंशन रोकने का काम किया है पुरानी पेंशन को, तो जो 2005 तक पोस्ट विज्ञापित हो गई और अगर उन पर लोग अगर ज्वाइन करने में उनको देर हो गई है, ऐसे लोगों के लिए भी पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए, ये सरकार से हमारी अगली मांग है। इस तरीके से हमारी 7 मांगें हैं सरकार से हैं, लेकिन इस समय जो हमारी प्रमुख मांग है वो पुरानी पेंशन है। अगर सरकार हमारी पुरानी पेंशन नहीं देती है, इसमें अगर कोई हिला हवाली करती है, 10 अगस्त को संसद घेराव का कार्यक्रम है, कई लाख शिक्षक और कर्मचारी जहाँ इकट्ठे होंगे, और अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चेती तो 2024 के चुनाव में कर्मचारी और शिक्षक, हिमाचल में जो हुआ है, पंजाब में जो हुआ है, राजस्थान में जो हुआ है, यहाँ सभी सरकारों ने पुरानी पेंशन घोषित की और हमने उनकी सहायता की है। आगे भी हम ये कहते हैं अगर 2024 में सरकार ने पुरानी पेंशन को अगर घोषित नहीं किया तो निश्चित रूप से कर्मचारी और शिक्षक सरकार का विरोध करेंगे और हमें विश्वास है कि 2024 से पहले सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।